मेरे प्यारे भारतवासियों, आप लोगों ने बताया कि ईबस का इलेक्ट्रिक रिक्शा पहले थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पर अपडेटेड वर्जन ले आए। हम लोग यहाँ पर ये देखिए, इसके अंदर कितना बड़ा बेड है। आप यहाँ पर अब जितना चाहे उतना ज़्यादा सामान रख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो पहले वाला भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा छोटा था नहीं, काफ़ी डिसेंट साइज़ का था। लेकिन जिन लोगों को ये बड़ा सा व्हीकल चाहिए, उनके लिए भी हमने ये वाला व्हीकल बना दिया है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ये कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। चलिए, तो अब मैं इसको आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो चलिए, बारिश के मौसम में शुरू करते हैं। यहाँ पर आप हमेशा की तरह देख सकते हैं हमारा अच्छा सा विंडशील्ड, उसके साथ हमारा वाइपर, और आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी भी कोई स्लीव नहीं है। ये बहुत ही अच्छा स्मूथ और बड़ा सा विंडशील्ड है। साथ साथ में इसके अंदर आपको येलो कलर का ईवस का बैजिंग मिल जाता है, बहुत सुंदर लगता है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर लाइट्स देख सकते हैं, मैंने आपके लिए चालू रखी है और अभी भी है ये ग्लास की बनी हुई। नीचे आपके फॉग लैंप्स है, यहाँ पर आपका मड फ्लैप है, काफ़ी बड़ा सा है, कोई भी आपको कीचड़ वीचड़ वाला इशू नहीं होने वाला है। और इसी के साथ आपके व्हील्स, ये जो व्हील्स है ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। नॉर्मल रिक्शाज के जो व्हील्स होते हैं वो शायद से इतने होते हैं, ये उससे काफ़ी बड़ा व्हील है। MRF का बना हुआ व्हील है, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देगा, बहुत लंबी लाइफ देगा। उसी के साथ साथ आपको आगे ब्रेक्स भी मिल जाते हैं, ड्रम ब्रेक्स। अगर हम अंदर जाते हैं इसके साथ, तो अगर मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास नीचे यहाँ पर ब्रेक है, मेरे पास यहाँ पर हैंड ब्रेक है, ये है आपका हैंडल। हैंडल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इसका। अरे, रिक्शा चालू थी तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो है स्मार्ट बैटरी इंडिकेटर, इसके अंदर आप इसको चालू करेंगे आपको बैटरी पता चल जाएगी। अभी से 24% बैटरी बाकी है, क्योंकि इसको हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चलाया है। इसको 80 किलोमीटर जैसा अभी हम लोगों ने ऑलरेडी चला लिया है, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि इसका जो रेंज है ये 100 से थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, आपको कम नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर है आपका स्पीडोमीटर। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि पानी के साथ साथ आपका फ़ोन भी चार्ज हो जाए कभी बारिश के अंदर, तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर है आपका फॉरवर्ड रिवर्स स्विच रिक्शा को आगे पीछे करने के लिए। साथ में आपका जो हैजर्ड लाइट मिल जाता है, यहाँ पर आपको अगर आप इसको चालू करते हैं आप आवाज़ सुन सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ये थोड़ा सा लाइट अप भी कर देता है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। उसी के साथ साथ ये आपकी लाइट्स हैं और यहाँ पर आपका वाइपर है। वाइपर के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास ये छोटी सी लाइट भी है, और लाइट को चालू करके देख लेते हैं एक बार। बहुत अच्छी सी लाइट है, LED लाइट्स दी गई है। आजकल तो कार्स के अंदर भी नहीं मिलती LED लाइट्स। तो बाहर बैठ के पहले मैं इसका मेन फीचर जो है इसका बड़ा बेड ये दिखाता हूँ। देखिए आप पीछे से इसकी लाइट चालू है, कितनी अच्छी लग रही है ये रिक्शा। ईबस की ब्रांडिंग के साथ 125C मतलब कि 1.25 किलोवाट की मोटर है इसके अंदर, और इसका ये जो काफ़ी बड़ा सा बेड है इसके अंदर आप जितना चाहे सामान भर पाएंगे। अगर आपको इसमें वाटर सप्लाई का बिज़नेस करना है, इसमें आपको डेयरी का बिज़नेस करना है, आप जो चाहे वो बिज़नेस कर सकते हैं। आप ट्रांसपोर्ट के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं आप इस बड़े रिक्शा को। और ये बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, इसका प्राइसिंग अभी भी काफ़ी अफोर्डेबल है। लेकिन अगर आप मुझे रेफरेंस देते हैं ये वीडियो का कि आप वीडियो देखकर ख़रीदने के लिए आए हैं, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा डिस्काउंट मैं ज़रूर दिलवाऊंगा। तो दोस्तों, ये है कहानी ईबस इलेक्ट्रिक रिक्शा की। इसी के साथ साथ अगर आपको इसका परफॉर्मेंस देखना है तो मैं उसके लिए आपको एक दूसरा वीडियो सजेस्ट करता हूँ, जिसके अंदर हमने इसको पानी के अंदर चलाया है, इसको कीचड़ के अंदर चलाया है, इसको बहुत ख़राब कंडीशंस के अंदर चलाया है, इसको बहुत ही रफ ड्राइविंग किया है, और आप फिर भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से आसानी से चल जाती है। ड्राइवर के साथ एक अच्छा सा रिव्यू बनाया है मैंने, आप उसको भी हमारे चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो आप बिल्कुल से अहमदाबाद के अंदर आ सकते हो, यहाँ पर सरखेज मकरबा के तरफ है हमारा शोरूम, और यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट ड्राइव भी मिल जाएगी ये रिक्शा की। इसी के साथ साथ अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं तो आपको एक अच्छा सा डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा। हमारे गुजरात के अंदर बहुत सारे डीलरशिप सेंटर्स हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक रिक्शा को चेकआउट करें ईबस की, तो आप कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ MP, UP, छत्तीसगढ़ के अंदर भी हमारे ईबस के इलेक्ट्रिक रिक्शास जाने शुरू हो गए हैं, तो वहाँ पर भी आप इनको चेकआउट कर पाएंगे। तो अब और देर ना करें, हमें कॉल कीजिए और अपना बिजनेस बढ़ाइए। जय हिंद।